लोकसभा चुनाव के ऐलान के पहले पीएम मोदी का ताबड़तोड़ दौरा, आज पश्चिम बंगाल और बिहार जाएंगे पीएम। कोलकाता मेट्रो की पहली अंडर रिवर टनल का उद्घाटन भी करेंगे। पीएम मोदी नॉर्थ 24 परगना के 12-7 में महिला सम्मेलन को संबोधित करेंगे। संदेश खाली के पास करेंगे जनसभा। संदेश खाली के महिलाओं ने लगाए थे यौन उत्पीड़न और हिंसा के आरोप। पश्चिम बंगाल के मंत्री और टीएमसी नेता उदयन गुहा ने कहा, 3 साल से नहीं आए चुनाव, आ रहे इसलिए आ रहे पीएम मोदी। राज्य के ग्रामीण जानते हैं, दौरे से नहीं मिलेगी मदद। संदेश खाली मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची पश्चिम बंगाल सरकार। कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय ने दिया है मामले की सीबीआई जांच का आदेश। शाहजहां को लेने पहुंची सीबीआई को लौटना पड़ा खाली हाथ। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के बाद पहुंची थी पुलिस हेडक्वार्टर। सीआईडी ने दी जानकारी, सरकार ने दायर किया है सुप्रीम कोर्ट में याचिका। शेख शाहजहां के खिलाफ ईडी की कार्रवाई। केंद्र जांच एजेंसी ईडी ने पीएमएलए के तहत जब्त की 14 प्रॉपर्टी। सर्बेरिया, संदेश खाली और कोलकाता में मौजूद है संपत्ति। ईडी का शाहजहां के खिलाफ एक्शन, 12 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की गई। कृषि भूमि, अपार्टमेंट और कुछ बिल्डिंग शामिल है इसमें। संदेश खाली में ईडी टीम पर हुए हमले की जांच सीबीआई के पास। मंगलवार देर शाम सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। ममता बनर्जी ने लगाया आरोप, बंगाल के अधिकारियों को बदनाम करने की कोशिश। बीजेपी सीबीआई मिलकर टीएमसी को कर रहे बदनाम। हमें निष्पक्ष चुनाव चाहिए, ना कि बीजेपी का चुनाव। 14 और 15 मार्च को ही हो सकता है लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। 7 चरण में हो सकते हैं चुनाव। अप्रैल के दूसरे हफ्ते में पहला चरण संभव। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपने पद से इस्तीफा दिया। इस्तीफे के बाद कहा, 7 मार्च को बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। अभिजीत गंगोपाध्याय के इस्तीफे पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष, टीएमसी जो आरोप लगा रही वो सभी आरोप सच थे। इतने दिनों से जज की कुर्सी पर बैठकर वो राजनीति से प्रेरित फैसले दे रहे थे। राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज मध्य प्रदेश में आखिरी दिन। धार जिले के बदनावर में जनसभा करेंगे, महिलाओं से संवाद भी करेंगे। राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, देश के युवाओं अब डिग्री को सम्मान मिलेगा, मिलेगा समस्याओं का समाधान और सभी को काम। कांग्रेस आपके हाथों में देगी भविष्य की कमान। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल की आज एमपी के बदनावर में रैली। सूत्रों के मुताबिक युवा और बेरोजगार लोगों के लिए 10 सूत्री चुनावी वादे का करेंगे ऐलान। उज्जैन में महाकाल मंदिर में राहुल गांधी ने की पूजा अर्चना। महाकाल के दरबार में लगाई हाजिरी। शिवरात्रि के चलते गर्भगृह में जाकर दर्शन की इजाजत। महाकाल मंदिर में दर्शन के बाद सीधे रोड शो के लिए निकले राहुल। कमलनाथ ने की मीडिया से बात, कहा मध्य प्रदेश को सुरक्षित मध्य प्रदेश बनाने की प्रार्थना की। एमपी में राहुल की न्याय यात्रा के दौरान शाजापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लगाए मोदी मोदी के नारे। राहुल ने गाड़ी से उतरकर सभी से हाथ मिलाया। राहुल की यात्रा पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का निशाना, कहा जीवन भर जिस पार्टी ने अन्याय किया वो न्याय यात्रा करने निकली। तय समय से 4 दिन पहले न्याय यात्रा समाप्त करेगी कांग्रेस। 16 मार्च को मुंबई में खत्म होगी। 17 मार्च को होगी इंडिया गठबंधन की रैली। कांग्रेस घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं, किसानों, पिछड़ों, गरीबों के लिए गेम चेंजर स्कीम। सूत्रों के हवाले से खबर, युवाओं पर केंद्रित होगा कांग्रेस का घोषणा पत्र। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के घटक दलों के नेताओं के बीच बैठकों का दौर जारी। कांग्रेस ने 22 सीट पर किया मंथन। शरद पवार से घर जाकर उद्धव ठाकरे ने मुलाकात। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। सूत्रों के हवाले से खबर, राजनांदगांव सीट से बघेल को उतारेगी कांग्रेस। छत्तीसगढ़ के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग पूरी। भारतीय जनता पार्टी कोर कमेटी की आज और कल बैठक। बची हुई लोकसभा सीट पर होगा मंथन। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार के प्रत्याशियों के नाम पर मंथन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आ जाएंगे दिल्ली। लोकसभा चुनाव और सीटों के बंटवारे पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों को लेकर महाविकास अघाड़ी का आज आखिरी दौर का मंथन। महाराष्ट्र में एनडीए में सीट शेयरिंग पर फंसा पेच। सूत्रों के मुताबिक अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में कम से कम 10 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ने के लिए अड़ी। अजीत पवार गुट एनसीपी की बैठक का आज दूसरा दिन। बीजेपी की टेंशन बढ़ी।
सूत्रों के मुताबिक नहीं तय हो पाया है बीजेपी शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी के बीच सीट शेयरिंग का फॉर्मूला। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकालने की कोशिश, आज एनडीए के नेताओं से मुलाकात करेंगे अमित शाह। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी की कल करीब 4.5 घंटे चली बैठक, सूत्रों के मुताबिक अगर सीट मिली तो बारामती से अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ही लड़ेंगी चुनाव। एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष सुनीत तटकरे ने कहा, जिन कार्यकर्ताओं ने काम किया उन्हें सीट अवश्य मिलेगी, अंतिम फैसला हाईकमान लेगा। शिवसेना शिंदे गुट के विधायक संजय सिरसाट का बयान, महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर अंतिम फैसला होना बाकी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अहम बयान, नितिन गडकरी की तारीफ। बीजेपी की बिहार में 17 लोकसभा सीटों पर लड़ने की तैयारी, पटना के बीजेपी ऑफिस में बिहार कोर कमेटी की बैठक हुई, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और पार्टी नेता शामिल। चिराग से अनबन की खबरों के बीच केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने चुप्पी तोड़ी, एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, मैं मरते दम तक एनडीए के साथ। बिहार के हाजीपुर से लड़ने को लेकर चिराग और पशुपति पारस में ठनी, दोनों लड़ना चाहते हैं हाजीपुर से चुनाव। टीएमसी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने राम मंदिर को बताया बीजेपी का पब्लिसिटी स्टंट, बोले पहले दिन 5 लाख गए, अब सिर्फ हजारों लोग दर्शन कर रहे हैं। एक और बयान को लेकर सुर्खियों में डीएमके नेता ए राजा, बीजेपी ने इंडिया गठबंधन को घेरा, रविशंकर प्रसाद ने कहा, भारत के लोकाचार का अपमान करना पहचान बन गया। ए राजा के बयान पर बोले वीएचपी प्रवक्ता विनोद बंसल, कमाल की बात की सर्वोच्च न्यायालय के ताजे तमाचे के बावजूद भी इनकी विघटनकारी मानसिकता अभी भी जिंदा। कांग्रेस ने ए राजा के बयान की निंदा की, कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, उनकी बात से असहमत, उनके बयान की निंदा कर। चुनावी बॉन्ड के खुलासे में देरी को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, सरकार पर लगाया एसबीआई पर दबाव बनाने का आरोप। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र का ड्राफ्ट तैयार, आज कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को सौंपा जाएगा घोषणा पत्र। सीट शेयरिंग को लेकर जम्मू कश्मीर में एनसीपी एनसी और पीडीपी में बात नहीं बनने के संकेत है, कश्मीर में 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस। लोकसभा चुनाव को लेकर तेलंगाना में बीआरएस ने बीएसपी से हाथ मिलाया, पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर और तेलंगाना बीएसपी अध्यक्ष ने कहा, सीट शेयरिंग पर जल्द शुरू होगी बात। केजरीवाल और एलजी वीके सक्सेना के बीच एक्सपर्ट वॉर, एलजी ने कहा, 9 साल के शिगूफों के बावजूद मूलभूत सुविधाएं नहीं मिली। वीकेयू नेता राकेश टिकैत ने अजय टेनी को प्रत्याशी बनाने की निंदा की, कहा, किसानों के हत्यारे को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया। आज दिल्ली कूच करेंगे किसान, किसान नेताओं ने देश भर के किसानों से किया था दिल्ली कूच करने का आह्वान। चंबू बॉर्डर पर अभी भी बड़ी संख्या में डटे हुए हैं किसान, आज फिर से दिल्ली कूच की कोशिश करेंगे किसान। बराना में सड़क पर उतरे किसान, केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली कूच नहीं करेंगे कुरुक्षेत्र के किसान, किसान नेता गुरनाम चढ़ूड़ी बोले, किसान आंदोलन को बाहर से ही रहेगा समर्थन। किसानों की मांगों को लेकर अभी तक हो चुकी है कई दौर की बातचीत, किसान संगठनों ने सरकार की मंशा पर उठाए थे सवाल। चुनाव से पहले योगी सरकार ने किया ऐलान, किसानों के बिजली बिल पर 100% छूट दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी। योगी सरकार में शामिल हुए 4 मंत्री, एसबीएसपी के ओम प्रकाश राजभर, आरएनडी के नेता अनिल कुमार, बीजेपी नेता दारा सिंह चौहान और सुनील कुमार शर्मा मंत्री बने। मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले एसपी नेता अनुराग भदौरिया, जो हारे हुए नेता हैं वो क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जिताएंगे, बीजेपी को सता रहा हार का डर। मंत्रिमंडल विस्तार पर एसपी नेता अखिलेश यादव ने साधा निशाना, एक्स पर बेरोजगारी, पेपर लीक, नौकरी के लिए भटकते युवाओं का मुद्दा उठाया। यूपी कैबिनेट विस्तार पर एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, चारों मंत्रियों में से एक भी असली भाजपा का नहीं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दफ्तर की सुरक्षा में लगे जवानों को हटाया गया, कांग्रेस नेता मलकीत सिंह गेदू ने कहा, कांग्रेस के बड़े नेता नक्सली हमले में हुए शहीद। लोकसभा चुनाव की हलचल के बीच शिरोमणि अकाली दल संयुक्त का शिरोमणि अकाली दल में विलय, पूर्व राज्यसभा सदस्य सुखदेव सिंह ढींडसा ने आम आदमी पार्टी के विलय का, माफ कीजिए, अपनी पार्टी में विलय का ऐलान। पूर्व सांसद धनंजय सिंह और संतोष विक्रम अपहरण और रंगदारी मामले में दोषी करार।
कोर्ट ने मौलाना तौकीर रजा को माना बरेली दंगे का मास्टरमाइंड। 2010 में हुए दंगे में मुख्य आरोपी है तौकीर रजा। कर्नाटक में शिक्षक पर छात्र छात्राओं की बेरहमी से पिटाई का आरोप, महिला शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई की मांग, अभिभावकों ने किया प्रदर्शन। अभिभावकों ने हिंदी के शिक्षक पर आरोप लगाया, 10वीं कक्षा के 40 छात्र छात्राओं की बुरी तरह से पिटाई की। बिहार के मुजफ्फरपुर में जांच करने पहुंचे डीईओ के साथ कहा सुनी, हेडमास्टर पर लगे आरोपों की जांच करने पहुंचे थे डीईओ। बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट केस में घटनास्थल पर पहुंची एनआईए की टीम, टीम ने कैफे के स्टाफ से धमाके को लेकर जानकारी जुटाई, अभी भी पुलिस और एजेंसियों की पहुंच से दूर है आरोपी। मंगलवार को 6 राज्यों में पड़ी एनआईए की रेड, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, गुजरात, पश्चिम बंगाल में रेड्स। राजस्थान में साल 2021 की पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती में फर्जीवाड़े का खुलासा, एसओजी की हिरासत में टॉपर रहे नरेश समेत 15 लोग। इंदौर में मंचलों की करतूत का सीसीटीवी सामने आया है, मॉर्निंग वॉक पर निकली लड़की के साथ सरेआम छेड़छाड़ करने की कोशिश। इंदौर में मंचलों को रोकने के लिए राहगीरों ने मदद की, विरोध करने पर मंचले लड़कों ने राहगीरों पर पत्थर मारकर हमला किया। मॉडल तानिया का सुसाइड मामला, सूरत पुलिस थाने में पुलिस के सामने पेश हुए क्रिकेटर अभिषेक शर्मा। दमन की प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई, दूर से नजर आई फैक्ट्री में आग की लपटें। मध्य प्रदेश के खरगोन में पेट्रोकेमिकल कंपनी में लगी आग, धमाके के बाद उठी आग की ऊंची लपटें। महाराष्ट्र के पालघर में एक कंपनी में लगी आग, तारापुर एमआईडीसी इलाके की घटना। मसूरी देहरादून मार्ग पर भट्टा गांव के पास हादसा हो गया, दो कारों की आमने सामने से टक्कर हो गई, एक कार का हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में बर्फ हटाने का काम जारी, जेसीबी मशीनों की मदद से हटाई जा रही बर्फ। उत्तराखंड के चोपता में भारी बर्फबारी बनी मुसीबत, बर्फबारी की वजह से हाईवे पर टूटकर गिरा पेड़। रुद्रप्रयाग में नेशनल हाईवे बंद हो जाने की वजह से 20 पर्यटक फंसे हैं, हाईवे खुलने के बाद सैलानियों ने राहत की सांस ली। वुमेन्स प्रीमियर लीग में आज गुजरात जॉयंट्स और बेंगलुरु की टीम के बीच मैच होगा, दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे मुकाबला खेला जाएगा। पॉइंट्स टेबल में सबसे ऊपर है दिल्ली कैपिटल्स की टीम, अब तक खेले 5 मुकाबलों में से जीत की है 4 में, 4 में जीत दर्ज। WPL में मंगलवार को खेले गए मुकाबले में दिल्ली की जीत, मुंबई इंडियंस को 29 रनों से मात दी।